बसमिल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनीफिस द मर्सीफुल। वालदे अगर अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो फिर ये पांच काम हारगज़ ना करें वदेन जाने अनजाने में कुछ ऐसे खौफ अपने बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं जो कि उनके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल की वजह बनते हैं सबसे पहला खौफ जो वालदेन अपने बच्चों के जहन में डालते हैं वो कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे ये वो पहला डर या खौफ है जो वालदेन अपने बच्चे के जहन में मुंतकिल करते हैं तो फिर ये बात किस तरह से तब्दील की जाए कि बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं? तो बच्चों को नुकसान बताने की बजाय अगर आप फ़ायदा बताना शुरू कर दें तो फिर काफ़ी मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं यानी उसे ना पढ़ने के नुकसान बताने की बजाय अगर उसको पढ़ने के फ़वाद बताए जाएँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी मुआरे के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत होती है सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और हर जगह उनको वेलकम किया जाता है नुकसान गिनवाने की बजाय बच्चों को फ़ायदे बताए जाएँ उससे उनके जहन में फायदों का एक इमेज डेवलप होगा और एक पॉजिटिव जेस्टर जो है वो डेवलप करने में बच्चे कामयाब हो जाएंगे दूसरा डर जो वालदे अपने बच्चों के जहन में बिठाते हैं वो ये है कि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे मेहनत नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे अब यहाँ पर भी बच्चों को नुकसान बताया जा रहा है अगर बच्चों को ये बताया जाए कि मेहनत करने वाले लोग उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो मेहनत नहीं करते यानी उनको उसका फायदा बताया जाए उनको उसका रोशन पहलू जो है वो उनके सामने लाया जाए उससे बच्चों में मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा यानी आप मेहनत करेंगे तो लोग आपको मेहनती समझेंगे लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करेंगे लोग आपको अच्छा मकाम देंगे तीसरा डर जो बच्चे में पैदा किया जाता है वो ये होता है कि अगर तुम्हारे नंबर बुरे आ जाएंगे तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा अब यहाँ पर भी उसको ये बताने की ज़रूरत है कि जब तुम अच्छे नंबर लोगे तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा यहां पर उसको यह भी बताने की जरूरत है कि अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है और उन बच्चों को मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है इसलिए बेटा आप अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो ताकि लोग आपके अच्छे नंबरों की मिसाल दें चौथा डर जो बच्चों में पैदा किया जाता है वो ये होता है कि अगर तुम्हारी डिग्री अच्छे नंबर वाली ना हुई तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी डिग्री से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है यानी ऐसी जॉब जिसके लिए अच्छे नंबर ज़रूरी हैं वो एक अच्छी डिग्री से ही आपको मिल सकती है फिर मुआरे में अच्छी डिग्री लेने वाले लोगों की रिस्पेक्ट होती है उनको मुशरा एक अच्छा मकाम देता है अच्छी डिग्री से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो अच्छी डिग्री से आप उन बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे जिनके नंबर आपसे कम हैं या जिनकी डिग्री आपकी फील्ड की नहीं है आप उन बच्चों से आगे अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो पांचवा डर जो है ये बहुत खतरनाक है यानी क्या कहेंगे लोग ये वो सबसे बड़ा रोग है कि वालदे बच्चे में इस चीज़ का खौफ पैदा करते रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे की अपनी कुदरती सलाहियतें दब जाती हैं और बच्चा कोई भी काम करने से घबराता है हाँ वो स्कूल का तालब इलम है कॉलेज लेवल का है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो फिर कोई भी नया काम करने से कतराता है घबराता है क्योंकि उसका माइंड सेट बन चुका होता है कि अगर मैंने ये काम किया और मुझसे ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे इसलिए आप ये डर भी बच्चे में ना डालें बल्कि उसको कोई ना कोई एक्टिविटी जो अच्छी लगती है उसको को काम करने दें याद रखें गलती करना ही तो इस बात का सबूत है कि आप काम कर रहे हो अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गलती नहीं होगी इसलिए गलतियों से सीखना होगा आपको और अपने बच्चों के साथ आपको खड़ा होना होगा आपको उनकी सपोर्ट बनना होगा आप उनको एक शेल्टर की तरह नजर आए ये वो पांच ऐसी बातें थी जिन पे वाले को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ सब्र के साथ बच्चों की तरबियत करना जरूरी है याद रखें आपके बच्चे ही आपका सरमाया है लोगों की बातों में ना आए दूसरों की बातों को सुने और ये देखें कि उसके अंदर आपके लिए क्या रहनुमाई है फिर अगर आप बेहतर समझते हैं तो उन बातों पे अमल भी करें अगर आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ आप पे तनकीद है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है तो फिर अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपनी अच्छी कोशिशें जारी रखें मोहम्मद ताहिर रब्बानी बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने टीचर होने पर फख्र है